तो गाइस ये देखिए आज मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में बेसन डाला है और इसे मैं मंदी गैस में भून रही हूँ अच्छे से ताकि स्मेल ना आए। पहले तो अच्छे से भून लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ये मैंने अच्छे से भून दिया है और अब इसमें ऐड करेंगे हम घी। सो गाइस ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया है और इतना डाला है, ना ज़्यादा डाला है और ना कम डाला है, इतना डाला है कि लड्डू बन जाए अच्छे से। सो आप देख सकते हो अब इसे अच्छे से भूनेंगे घी में और जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसे हम भूनेंगे। सो गाइस ये देखिए मैंने इसे एक घंटा चलाया लगातार, बिल्कुल भी नहीं रुकी मैं, और क्योंकि इसे लगातार चलाना होता है और आप नहीं चलाओगे तो इसमें गूढ़ी पड़ जाएंगी और इस तरह से इसे चला चला कर तैयार करना है ताकि इसमें से अपने आप घी निकलने लग जाए। आप देख सकते हो इसमें से घी निकल रहा है और मैंने इस तरह से एक घंटा चलाया और उसके बाद ये ऐसे बन गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स काट कर रख लिए हैं, अब इन्हें ऐड कर। आप चाहो तो बिना ड्राई फ्रूट्स का भी बना सकते हो लेकिन मैंने ऐड कर दिए हैं और अब इसे अच्छे से चलाएंगे। और आप चाहो तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हो लेकिन मैंने फ्राई करके नहीं डाले हैं, ऐसे ही डाल दिए हैं। और ये थोड़े से बचा लिए हैं ऊपर लगाने के लिए ताकि हमारे लड्डू अच्छे लगे देखने में, इसलिए मैं इन्हें ऊपर लड्डू पर लगाऊंगा। और ये निकाली है मैंने, आप ये मैंने निकाली है शुगर, शुगर मैंने मिक्सी में पीस ली है और इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लिया। मैं मंगवा सकती थी बूरा भी लेकिन बूरा मैं ऐड नहीं करती हूँ, बूरा थोड़ी मोटी लगती है, फिर भी आप कितनी भी बारीक मंगवा लो वो कड़कड़ करती ही है, इसलिए मैंने इसे मिक्सी में पीसा है ताकि ये कड़कड़ ना करे और बिल्कुल स्मूथ लड्डू बने। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से ये पीस ली है और ये मैंने 1 kg के आसपास पीसी है क्योंकि आधा किलो हमारा बेसन था, तो 1 किलो मैं इसमें 1 किलो या मतलब 1 kg ही डालूंगी मैं इसमें शुगर पीस के, ये बूरा जो बनाते हैं। और ये मैंने अच्छे से पीस ली है, अब ये भी तैयार हो और ऑलमोस्ट ये भी तैयार हो गया है, बस इसे ठंडा करते हैं थोड़ी सी देर और बूरा में मिलाते हैं और फिर इसके लड्डू बनाते हैं। गाइस ये देखिए मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया है, 4 लड्डू बन गए हैं और एक केरा मेरे हाथ में, इसे बना रही हूँ मैं। सो गाइस ये देखिए ये भी बन गया, ये भी तैयार हो गया, अब बना लेती हूँ मैं सारे और फिर दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और इसी प्लेट में आ गए हैं सारे लड्डू। अब मैंने स्टोर करके रख दूंगी एक कंटेनर में और आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं। सो आराम से चलो चलो मैं ले चीज लो लिया। चरी क्या लोगे? ये वाला लोगे या ये वाला? वो वाला, ये वाला। ठीक है आ जाओ। आ जाओ जल्दी आओ, आओ दीदी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हुआ डन, चलते हैं घर वापस। इस घर आते साथ मैं बनाने लगी हूँ खाना क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस। ये मैंने इधर रोटी बनानी स्टार्ट कर दी है और सब्जी मैं बनाकर गई थी, आज मैंने बनाया राजमा और साथ में बनाया है राइस। मैं खाना बना लेती हूँ फिर मुझे पैक करना है। खाना बनकर तैयार हो गया, ये मैंने पैक कर दिया है, अब मैं देने जाती हूँ हस्बैंड जी को। खाना वगैरह पैक करके दे दिया है मैंने, हस्बैंड जी चले गए ऑफिस और बस आते ही साथ में खाने में लग गई थी क्योंकि उन्हें जाना था ऑफिस, और पैक करके मैंने दे दिया है। और हम गए थे पतिदेव का बर्थडे सेलिब्रेट करने, ज्यादा कुछ तो हमने नहीं किया, जैसा भी छोटा मोटा सेलिब्रेट किया हमने और बस हम खा पी के आ गए चीजें। और गाइस बस वहाँ पे ये थी बर्गर पिज्जा वगैरह, सो हमने और मैंने केक भी लेने की कोशिश की, वहाँ पे केक नहीं था और ऑर्डर देते तो हमें 2 घंटे बैठना था वहाँ पे, 2 घंटे बाद वो बनाकर देते वहाँ पे। सो पतिदेव ने बोला कि पेस्ट्री ले लो, कोई बात नहीं मैं केक नहीं कट करूंगा, तो हमने मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है तो हमने वहाँ पे पेस्ट्री ले ली, पेस्ट्री से ही हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया। और क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे तो जाहिर सी बात है आज के दिन केक बहुत ही कम मिलता है, वैसे तो अदरवाइज वहाँ होता ही है रोज, लेकिन आज सारे खत्म हो गए थे पेस्ट्री वगैरह ही थी, तो मैंने कोई बात नहीं हमने पेस्ट्री वगैरह से ही काम चला लिया। सो गाइज आज हमारा था प्लान कुछ और डिनर वगैरह करने का बाहर, लेकिन अर्जेंटली उन्हें ऑफिस जाना पड़ा
सो इसलिए हम वापस आ गए और पतिदेव ने बोला है कि फिर कभी चलेंगे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अभी छोटा मोटा सेलिब्रेशन कर लेते हैं। सो मैंने बोला कोई बात नहीं और मैंने आज उन्हें गिफ्ट भी दिया था। सो गाइस गिफ्ट में मैंने मंगवाई थी ये 5 टी शर्ट सब कलर की और एक वो पहन कर गए थे व्हाइट कलर की, एक है ब्लैक और दो ये हैं और एक है ग्रीन कलर की। सो मैंने उनके लिए 5 टी शर्ट मंगवाई थी ऑर्डर करके और मैंने अपनी तरफ से उन्हें गिफ्ट दे दिया है। सो उन्होंने भी इसलिए हमें पार्टी दे दी छोटी सी और मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम इसी पार्टी से काम चला लेंगे और आप बताना कैसी लग रही है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सो गाइस ये इस टाइप की टी शर्ट है और दो तीन कॉलर वाली है, दो बिना कॉलर वाली है, तो मैंने उन्हें 5 टी शर्ट दी थी इस टाइप की और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत अच्छी है। सो गाइस ये मैंने मंगवाई थी उनके लिए मिंत्रा से और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही अच्छी है और ऐसा नहीं कॉस्टली है, ज्यादा रीजनेबल प्राइस में है। सो गाइस बस मैंने गिफ्ट में उन्हें यही दिया है और 5 उनके लिए टी शर्ट मंगवा दी है। तो वो बहुत टाइम से अपनी शॉपिंग नहीं कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप में मंगवा के दे देती हूँ, मैं जाती तो कहीं नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, उनके साथ ही जाती हूँ। सो उनके साथ लेकर आती तो उन्हें पता चल जाता, फिर सरप्राइज नहीं रहता, तो मैंने इसलिए सोचा कि ऑनलाइन मंगवाती हूँ। और ऐसा हुआ कि ये कल आ गई थी और वो घर पे थे लेकिन मैंने उन्हें दिखाया नहीं, मैं आराम से बाहर गई, मैं बोल के गई कि घर के बाहर उन्हें पार्सल वाले को बुला लिया मैंने, वो बोला कि मेरा कुछ पार्सल आ रहा है और मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया, सो इसलिए मैं चोरी चोरी से पार्सल ले लिया पार्सल वाले भैया से और मैंने उन्हें आज दिखाई कि ये आपका पार्सल था। सो मैंने आपके लिए गिफ्ट मंगवाया, सो वो खुश हो गए और फाइनली उन्हें बहुत अच्छी लगी टी शर्ट। सो बहुत अच्छे कपड़े के, सॉफ्ट है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चुभने वाला कपड़ा, ये मोटा कपड़ा सॉफ्ट वाला मटेरियल है टी शर्ट का और काफ़ी अच्छी लगी, मैं भी अपने लिए वहाँ से ही मंगवाऊंगी। तो बस आज हमने यही सेलिब्रेशन किया छोटा सा। और गाइस ये ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है, मैंने आज उनके लिए मीठे में बनाए थे लड्डू और खाने में बनाए राजमा चावल। सो मैंने जो मेरी तरफ से हुआ मैंने सब कुछ किया उनके लिए और बस उनका बर्थडे बेहतर बनाने की कोशिश की और मैं हर साल करती हूँ अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन मैं इस बार घर पे भी नहीं बना पाई सेलिब्रेट घर पे क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी थी तो वो रात भी नहीं थे घर पर, सुबह आए तो सुबह हम बाहर सेलिब्रेट, मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी, लेकिन मेरे से जो हुआ घर पे मैंने सेलिब्रेशन करने की कोशिश की उनके लिए, मतलब जो जो उन्हें चीज़ें अच्छी लगती है वो मैंने बनाई। उन्हें बेसन के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उनके लिए बेसन के लड्डू बनाए और भगवान जी को भी चढ़ा दिए थे मैंने और उनके हाथ से चढ़वा दिए थे भगवान जी को। और दूसरी बात ये कि मैंने उनके लिए खाने में बनाया था राजमा चावल, वो भी उन्हें अच्छा लगता है। सो गाइस हस्बैंड जी का इस तरह से रहा कुछ बर्थडे आज का और साथ के साथ हमारा इंडिपेंडेंस डे भी बन चुका है, सबको हमारी तरफ से हमारी फैमिली की तरफ से इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये आपको छोटा सा ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा, लव यू ऑल, डैडी बाय बोल दो, लव यू ऑल, बाय बोल दो, बाय बाय, दीदी ने भी बाय बोल दिया गाइस आप सबको, मेरे छोटा सा बाय बाय।